22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का न्योता तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और अलग अलग क्षेत्रों के मशहूर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि अखिलेश ने इसकी वजह कुछ और बताई है, लेकिन अखिलेश के इस फैसले को उनके पिता मुलायम सिंह यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 1990 में मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में जुटे कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 नवंबर 1990 को हुई इस गोलीबारी में 30 कार सेवकों की मौत हो गई थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इससे कहीं बड़ी संख्या में कार सेवकों के मारे जाने का दावा किया। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव अगला चुनाव हार गए और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा तोड़ दिया। हालांकि कल्याण सिंह की सरकार भी इसके बाद चली गई, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलवाने के कारण हिंदूवादी संगठनों ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। राजनीतिक हलकों में खबर गर्म है कि अखिलेश अपने पिता के इसी इतिहास के कारण और मुस्लिम वोट बैंक टूटने के डर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रहे। बता दें कि अखिलेश यादव को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार न्योता देने गए थे। आलोक कुमार ने कहा, हमने उनका पहले का बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वह आएंगे, इसलिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि जब भगवान राम उन्हें बुलाएंगे तो वो जाएंगे। ऐसे में अगर वह नहीं आते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि वह अयोध्या आए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी प्रेसिडेंट आलोक कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण देने गए थे, जिस पर अखिलेश ने कहा कि मैं आलोक कुमार को नहीं जानता हूँ, निमंत्रण वह देते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसका परिचय एक दूसरे से होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर काफी ऊहापोह है। इससे पहले बिहार में आरजेडी ने राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाया था, जिसकी वीएचपी के आलोक कुमार ने निंदा की थी। अब जब पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भगवान राम के प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है, मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं याद कर रहा था कि 1990 में जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाली थी, तब भी बिहार में लालू जी ने उनको गिरफ्तार करवा करके तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। अब जब पूरा देश राम जी के भक्ति में डूबा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं, देश के 5 लाख मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होकर राम जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए सन्नत हो रहा है, सब परिवारों में हम पीले चावल लेके न्योता दे रहे, उस समय में सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाकर मंदिर को पाखंड और मूर्खता कहना, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आरजेडी शामिल है पूरी, ये अलग से काम नहीं हो सकता, ये दोबारा से तनाव भड़काने का प्रयत्न है। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।